आते हो टाइम हो चाहिए जाके आना टाइम चेक का होते 12 बज गए हैं। मेरी बात सुनो, अभी जब तुम चाय लेकर आओगे ना तो हमने तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक करना है, ठीक है? तुम्हें मैंने थोड़ा सा डांटना है, थोड़ा सा हार्शली डांटना है, थोड़ा सा गुस्सा करना है कि ऑफिस में क्या करते हो, चाय क्यों नहीं पूछते हो, अगर पानी देकर चले जाते हो, ये है वो है। तो आपने ना आगे से ना ये आप कैसे करना है कि जैसे आपको हम असल में डांट रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आपने बिल्कुल ये शो नहीं करवाना है कि भाई ये एक प्रैंक हो रहा है। हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद इसको ना यूट्यूब पे डालेंगे तो देखेंगे क्या रिएक्शन आता है, ठीक है? तो ऑफिस का माहौल जो है वो भी इसके अंदर आएगा और ये आज देखते हैं कैसा होता है, ठीक है? आपने आपने बिल्कुल नहीं फील करना कि हम आपको जानबूझकर कर रहे हैं, हम आपको गुस्सा करने वाला एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ प्रैंक के तौर पर इसमें लेकर आ रहे हैं, ठीक है? जैसे ही आप चाय लेकर एंटर होंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपके ऊपर शॉट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, टाइम हो चाहिए जाके आना टाइम चेक का होते 12 बज गए कम से कम 10 तो 11 बजे चाय लेके आ जानी चाहिए। ना ही तुम्हें सफाई करने का पता, ना ही तुम्हें पता है कि ऑफिस की टाइमिंग की है, जो दिल करता उसी आ जाने हैं। मेरे तो पूछे तो बगैर किसी आएगा तो दफ्तर के लिए कोई काम नहीं करना, आगे कोई छेड़खानी नहीं करे, मेरे डॉक्यूमेंट तो लाया हो जाएंगे, समझ रहे? तो किसी ने नहीं सिखाई ऐसी गल, कोई इतने वाला अफसर आया बैठा हो तो नीचे आया बैठा हो तो किसी ने नहीं करते हैं। कितने है तेरा तेरा वाला बॉस कितने आ किचन ठीक कर रहा? एक बार भी अगर आके ने दसिया भी नहीं मैं किन्ने बजे आया हुआ आज तो टाइम भाई आप लोगों के सर पे कोई भी नहीं है, इस वजह से आप लोग ऐसा करते रहते हो ना। आपको पता है कितनी मुश्किल हालात में आजकल नौकरियां मिल रही है, अदारे बंद हो रहे हैं, गुर्बत का ये आलम है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोगों ने आप लोगों को सहूलत के लिए असिस्टेंट रखा हुआ है कि यार चले ठीक है, इनकी रोजी रोटी लग जाएगी, लेकिन आप लोग जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मुझे बताएं कि आप लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। आपके घर भी नजदीक है, आप शाम को भी कह देते हो, 7 बजे से ही पहले ही कह देते हो कि भाई हमने जाना है। यहाँ पर जब काम चल रहा हो तो आप लोगों को चाहिए कि भाई जब ऑफिस में काम चल रहा है तो हम आकर ना पूछे, जब आप पूछे तो हमें मजबूरी कहना पड़ जाता है कि भाई हाँ अच्छा चले जाए यार। हम बैठे होते हैं 10:30-11 बजे रात में, कितने बजे गया हूँ आप जाकर अटेंडेंस चेक करें वहां पर, कितने बजे गया हूँ मैं पता आपको? मैं 10:30 के बाद गया हूँ मुसलसल, ये वीक जब से स्टार्ट हुआ है 10:30-11 बजे मैं रोजाना शाम को जा रहा हूँ, जितनी गाड़ियां होती है सारी निकाल कर जाता हूँ। आप लोग बताएं ऐसा है या नहीं? मैं थोड़ा सा लेट सुबह को इसलिए आता हूँ कि भाई जो लेट गया हूँ तो लेट आ जाता हूँ, आप लोग इसलिए जल्दी आ जाया करें। अगर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको चुनकर साइड पर रख दिया करें, टोकरी के अंदर रख दिया करें, मैं छोड़कर चला जाता हूँ। अगर कुछ है तो आपने उसको देखना है, किसी चीज को इधर उधर नहीं हिलाना। जो सफाई वाला आता है वो आकर यहाँ से डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देगा तो हमारे जो वॉचर होते हैं या बिल होते हैं वो घूम गया तो कौन जिम्मेदार है? समझ गए इस बात को? चाय का पूछ लिया करें, चाय शाही या पूछ ले तो सफाई तो कोई और मेरा करता लड़का इसकी तो यार साथ आना चाहिए ना इनको भी। बाहर का बंदा अगर हमने सफाई के लिए रखा हुआ है तो हम इनको चाहिए ना कि साथ में आता ये देखा करेंगे सफाई सुथराई सही तरह से कर रहा है, कोई चीज तो नहीं कोई गैप हो रही। हमारे टाइम जो कि मैं कोई भी दफ्तर में आता है तो साथ में बैठ जाए करो, देखा करो, कोई चीज उठा के ना ले जाए, कोई ये कागज ठीक है ना काम के होते हैं। मैं किसी के ऊपर गुस्सा करता नहीं हूँ, लेकिन जब मजबूरी मजबूर करते हो ना आप लोग मुझे तब मैं करता हूँ। मेरा मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या है कि जब हमें ऊपर से कोई ना कोई प्रेशर आएगा तो हम जाहिर सी बात है आगे भी तो ये नहीं है ना। हम लोगों ने भी इतने प्रेशर में ही रहकर काम किया है। यहाँ पर ऐसा ऐसा काम होता था कि रात के 10 भी बज जाते थे तो हम अगर बाहर काम गए हुए होते तो पहले आकर यहाँ पर हमें हार नहीं देनी होती थी, उसके बाद हमें घर जाने की छुट्टी होती थी। तो हम लोग तो आप लोगों को करते नहीं है प्रेशराइज, थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो उसको समझ में आएंगी ना बातें। चले ठीक है, बातों को बुरा नहीं मानेंगे, आपके फायदे के लिए सारी बातें चले ठीक है। क्या जाओ अपने बंदे ने तो समझाता नहीं, देख हूँ वह चाय दे के गया वो पहले ही उन्होंने मैं कहा था भी तू चाय नहीं लेट लेकर आया, हूँ चाय लैके आया ही आया सीगा ते चाय दे चीनी ही नहीं है, चेक नहीं कर सकते तुसी के भी चीनी दे नाल अगे बंदे नु शुगर हुंदी जा रही है, चीनी क्यों पांदे आ तुसी, चेक नहीं करके रखते बंदे नु समझांदे नहीं अपने। तो बंदे नु देख के जेड़ा तू इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है, उन्हें समझा के रखो, मैं आज थोड़ी जी क्लास लई आ, ठीक है ना, मैं गया थी कि अपने बॉस नु बुला, ते तुसी आए नहीं, ते तुहाडी कदर करदे आ, तुहाडे बाल हो गए ने चिटे, हसने वाली गल नहीं हैगी, ठीक है, ते आइंदा तो यह काम होवे ना, चीनी आ देख ला, इन्नी चीनी है तू घुट भर के देख, इहदे विच चाय दे विच चीनी किन्नी आ, बच गई है फिर भी, ठीक है, एक बार उन्हू समझा देना कि सुबह नु आके असि बैठिए, तो 12 बज गए, 10 बजे असि आए हैं, 11 बजे चाय देनी है, 11 बजे आए हैं, 11:30 बजे चाय दे, ठीक हो गया, ओके हो गया, हमने ना हमारे साहब ना एक प्रैंक किया था, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि यार आज ना हम इसको इतना गुस्सा करूंगा मैं और आप लोगों ने ना उसको प्यार से साथ बात कर ली, तो आप नाराज तो नहीं हुए ना हमारे साथ, तो ये छोटा सा प्रैंक था, प्रैंक की तरफ देखकर हाथ हिला दे, ठीक है, नाराज नहीं होंगे ना, हम इस तरह कभी भी किसी के साथ नहीं किया, आप कब से यहाँ पर हो, कभी आपके साथ गुस्सा आ गया या किसी और के ऊपर गुस्सा किया, यहाँ का माहौल कितना फ्रेंडली है, कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला ना, ये सिर्फ हमने एक प्लान किया था कि आज हम एक वीडियो बनाएंगे के लिए और आपके साथ प्लान करेंगे, आपको अगर बुरा लगा है तो कभी हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है, आपने कभी भी यही समझा कि हम आपके साथ लड़ा शुरू कर देंगे, हमें पता है कि हर बंदा जो है वो बड़ा मजबूर होगा, कोई ना कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, तो मैं कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक, ये जस्ट यूट्यूब वीडियो थी और इस पर हमने एक छोटी सी प्लानिंग की कि हम आज बंदे को थोड़ा सा खींचेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, थैंक यू।